शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं माली बन जाऊं? नहीं। आरती? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? नहीं आरती, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ बेटे। चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हुआ हो, तुम्हें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था बेटे। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो तुमने राजा को तलाक नामा भेज दिया? क्या तलाक नामा मैंने भेजा था चाची? रिश्ता मैं तोड़ना चाहती थी? मेरे पेट में तो बच्चा था चाची, मैं तो सफर भी नहीं कर सकती थी, और राजा ने चाहा मैं अपना बच्चा गिरा दूं। इतनी नफरत करता है वो मुझसे। आरती, ये तुम क्या कह रही है? राजा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है? मैं मानती हूँ वो अलग है, पुराने ख्यालात का है, लेकिन आज भी आरती वो तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। हाँ, वो तो तुम्हारी माँ, तुम्हारा मामा, तुम्हारे दस्तखत किए हुए तलाक नामे के साथ यहाँ आए थे। पूछो अपनी माँ से, आरती पूछो, वो यहाँ रिश्ता तोड़ने आई थी कि नहीं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। सच बता, हकीकत क्या है? नहीं, सच बता वरना तेरे चमड़े उतार दूंगा। बता। बताती हूँ, बताती हूँ। तलाकनामा पर राजा का दस्तखत नहीं था, भाई का था। राजा रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था आरती के साथ, हम आरती और राजा का घर तोड़ना चाहते थे। आपकी जायदाद और आपकी बेटी पर काबू रखने के लिए। मेरी बेटी का घर बर्बाद किया जायदाद के लिए? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आरती, तू इसे बचाना चाहती है, इसे जिसे तेरा घर तोड़ा? नहीं पापा, मैंने अपना घर खुद तोड़ा, किसी का कोई दोष नहीं। लेकिन माँ, एक बात मैं कह दूं, मैं बिन माँ की औलाद हूं। मैंने तुम्हारी हर बात का अंधविश्वास किया, क्योंकि तुमने मुझे माँ का वास्ता दिया, और माँ का दर्जा दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा होता है। कभी किसी औलाद की जिंदगी के साथ माँ का नाम लेकर खिलवाड़ मत करना, वरना आज के बाद कोई किसी माँ पर भी विश्वास नहीं करेगा। माँ, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आरती। आरती, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कल सुबह का सूरज निकलते ही राजा अपने बच्चे को लेकर सीधे अपने घर चलाएगा, वहां हम तुम्हारा मिलाप करवा देंगे बेटी, है ना? राजा, राजा, राजा आ गया। आरती, राजा आ गया, उसके पास बच्चा भी है। लेकिन सुन, तू उसके सामने नहीं जाएगी, अभी नहीं जाएगी, पहले हम उसे मिलेंगे, उसे समझाएंगे, उसके बाद तू आना। आप इसे सामने मत जाने दीजिए प्लीज। चाची! राजा, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा चाची, हमारा बच्चा। राजा, राजा, नहीं बेबी, राजा रुक, नहीं। रुक राजा, नहीं, नहीं राजा। सुनिए राजा,
मैं तेरे साथ हूँ। मार उन कुत्तों को, मैं तेरे साथ हूँ राजा, मार सालों को। कमीने, तूने मेरी बेटी का घर तोड़ा। की बात तो सुन राजा, उसकी बात तो सुन। नहीं नहीं, आज कोई कुछ नहीं कहेगा, आज सिर्फ राजा कहेगा और आरती सुनेगी, आरती कहेगी और राजा सुनेगा। कसूर हमारा है राजा, कि हमने एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया और दुनिया की बात मानी। खोट हमारे रिश्ते में है, जो इतना कमजोर था कि इतनी आसानी से टूट गया। मैंने ये कैसे मान लिया राजा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं नफरत करते हो, और तुम राजा, तुम
तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं तुमसे बेवफाई कर सकती हूँ, तुमसे इतनी बड़ी बात छुपा सकती हूँ कि हमारा बच्चा है? मेरा विश्वास करो राजा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं। तो तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है? ठीक है, क्या चाहते हो तुम राजा, कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? मैं चली जाती हूं, तुम्हें बच्चा चाहिए ना राजा? तुम बच्चे को हमेशा के लिए अपने पास रख लो, मैं सब कुछ सहकर जी लूंगी राजा। लेकिन तुम्हारा ये शक, तुम्हारी ये नफरत मैं नहीं सह सकती। लेकिन सिर्फ एक बात याद रख लेना राजा, मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है और हमेशा तुमसे ही मोहब्बत करती रहूंगी। राजा उसे रोकना। बेबी ना जा, बेबी, बेबी रुक जा, बेबी। चलो पापा, चले। बल्ले कुछ कर, बल्ले कुछ तो कर, बल्ले। मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, हाँ मुझे छोड़ के।